पैसे पैसे रुपए रुपए, कोई भी चीज हो या हो कोई भी सामान, पैसा दो पैसा लो, यही है रिवाज। लेकिन अब छुट्टे और रोकड़ा भाई, अब तो हुआ ये पुराना स्टाइल। तो आई अब से जेब में नगद कम रखते हैं, चलिए डिजिटल हो चलते हैं। तो अब से एक बात जान लीजिए कि बिना नगद के भुगतान करना बिल्कुल मुमकिन है। तो भैया जी, चाचा जी, बहन जी, अपना अपना मोबाइल निकालिए और वही कहिए जो हम कहते हैं, ठीक है? क्या आपके पास तो साधारण फोन है और इंटरनेट भी नहीं है, तो क्या हुआ, कोई परेशानी नहीं है, इस फोन से भी पैसे का लेन देन मुमकिन है USSD के जरिए। नहीं समझे तो हम समझाते। पहले अपने बैंक में जाकर बैंक खाते के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, अपने फोन में *99# डायल करें, अपनी बैंक के शॉर्ट नेम के पहले 3 अक्षर या फिर IFSC के पहले 4 अक्षर डालें। अब फंड ट्रांसफर MMID का ऑप्शन चुनें, जिसे भुगतान करना है उसका मोबाइल नंबर और MMID डालें। रकम और चाहे तो स्पेस छोड़कर लेन देन की टिप्पणी भी डाल सकते हैं। अपना MPIN डालें, स्पेस छोड़कर खाता नंबर के आखिरी 4 नंबर डालें और लो, हो गया पैसा ट्रांसफर और बन गया आपका मोबाइल आपका बैंक। USSD के जरिए किसी के भी खाते में आप रोजाना 5,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं, केवल अपने मोबाइल और किसी भी साधारण फोन से, मिनटों में, और वो भी बिना बैंक जाए, घर बैठे बैठे, है ना, फोन में बैलेंस चेक करने जितना सरल। पर अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो मानो सोने पे सुहा गए। वैसे आप स्मार्टफोन में क्या क्या नहीं करते, मैसेज भेजते हैं, जोक्स पढ़ते हैं, पिक्चर्स क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। जब स्मार्टफोन इतना कुछ कर लेता है तो आपके लिए स्मार्ट पेमेंट्स क्यों नहीं। हर बैंक का अपना मोबाइल ऐप है जिसके जरिए स्मार्टफोन से पैसे का लेन देन मुमकिन है UPI ऐप के जरिए। सिर्फ अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक में या ATM में रजिस्टर करें, अपने फोन में SBI पे या कोई और UPI ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपना यूनिक ID मतलब VPA बनाएं, UPI पिन सेट करें और ऐप में जाकर सेंड मनी का ऑप्शन चुनें। जिसको पैसा भेजना है उसका VPA यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या अकाउंट नंबर डालें, अमाउंट डालें, लेन देन की टिप्पणी लिखें, सारी जानकारियों की पुष्टि करें और सेंड पर क्लिक करके भेज दें पैसे घर बैठे बैठे। एक बात और, किसी कारण से आपके बैंक का ऐप नहीं है या आपको अपने अकाउंट बैलेंस की जानकारी नहीं है तो एक और रास्ता है, e-wallet। वॉलेट मतलब बटुआ, जैसे घर से निकलते हुए पॉकेट में वॉलेट डालते हो ना, वैसे ही मोबाइल में या कंप्यूटर में SBI बडी जैसा वॉलेट डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करें, अपने डेबिट या ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग को इससे जोड़ें और फिर बन गया आपका फोन आपका बटुआ। अरे रे परी, तो परेशानी वाली बात हो गई। मान लो चाचा जी के पास तो फोन है ही नहीं और उन्हें चाहिए नकद की झंझट से मुक्ति, तो भैया जल्दी से कोई तो निकालो युक्ति, तो है ना भैया इसका भी तोड़। ज्यादातर जगह पर आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, वो कहते हैं ना जहां चाह है वहां राह है। अगर फोन नहीं है तो भी आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड स्वाइप करें, ATM पिन डालें और रसीद लेकर घर जाएं। या तो कंप्यूटर पर कार्ड से ऑनलाइन पैसे भी चुका सकते हैं या किसी भी बिल का भुगतान कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ बैंक पर आधार क्यों, जब आधार ही बैंक है आधार कार्ड से भी भुगतान मुमकिन है। अपने आधार नंबर को अपने बैंक अकाउंट के साथ जोड़ें, माइक्रो ATM में अपना आधार नंबर डालें, स्कैनर पर अंगूठा लगाएं और बस हो गया।
इस तरीके से आप फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, कैश जमा या निकासी या इंटरबैंक ट्रांजैक्शन जो करना चाहे कर सकते हैं अपने आधार से। अरे कुछ दुकानों में भी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। चाचा जी, अब कटाई के वक्त पैसे भरने के लिए खेत छोड़कर जाना किसे अच्छा लगता है? अब पढ़ाई के समय पैसे की लेन देन में वक्त गंवाना कौन चाहता है? कौन 2-3 लीटर पेट्रोल या डीजल जलाना चाहता है एक बिल भरने के लिए? तो अब ग्राहक हो या व्यापारी, स्टूडेंट हो या गृहिणी, जवान हो या किसान, इन 5 तरीकों से बिना कैश के भुगतान सबके लिए बिल्कुल मुमकिन है। USSD, आज ही अपने मोबाइल को बैंक में जाकर रजिस्टर कराएं और *99# डायल करें। कार्ड्स, तुरंत ही अपने बैंक से डेबिट कार्ड लीजिए। वॉलेट, आप तुरंत ही अपने मोबाइल पे वॉलेट को डाउनलोड कीजिए। UPI, अभी अपने फोन पर किसी भी बैंक का UPI ऐप डाउनलोड करें। AEPS, तो फिर अभी बैंक जाकर अपना आधार नंबर अपने खाते से जोड़ें। मेरा मोबाइल, मेरा बैंक, मेरा बटुआ।